नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ हैं बहुत चर्चित चेहरे दीप्ति शर्मा, जो हमेशा सामाजिक मूवमेंट्स की बात करती हैं। दीप्ति शर्मा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्ते। दीप्ति शर्मा, आप एक ब्राह्मण परिवार से आती हैं, जो ब्राह्मणों की जो कहा जाता है पूजा पाठ वगैरह, क्या सिर्फ उन्हीं को पूजा पाठ का अधिकार है, मंदिर में बैठने का उन्हीं को अधिकार है? क्या कोई दलित या कोई छोटी जाति का व्यक्ति पंडित नहीं बन सकता, कि ये क्या है उसके बारे में बताएं आप। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो पूजा पाठ और ये सारी जो चीज़ें हैं, ब्राह्मणों ने इस पे जो एकाधिकार किया है, पहले तो अगर हम भारत के ही प्राचीन इतिहास में जाएं तो हमारे यहाँ जाति जो थी, जो वर्ण थे, वो कर्म आधारित थे, वो जन्म आधारित नहीं थे। ठीक है, उसके बाद में इन लोगों ने जो इस पे एकाधिकार किया, दरअसल आज के समय की अगर हम बात करें तो आज पूजा पाठ ये सब तो बिजनेस का हिस्सा है ना, यहाँ आस्था कहाँ है, ये सब तो बिजनेस का हिस्सा हो गए हैं। और ये जो लोग पैकेज बना रहे हैं कि आप इतना अमाउंट दीजिए, आपकी इतनी पूजा होगी, अगर आप नहीं कैपेबल हैं, आप इंस्टॉलमेंट में दीजिए, आप किश्तों में दीजिए, आप क्रेडिट कार्ड से दीजिए, आप डेबिट कार्ड से दीजिए, हम ऑनलाइन पूजा करवाएंगे, तो ये सारी चीज़ें तो आज ढकोसलों में हो गए। अभी कई न्यूज़ सुनिए, नित्यानंद जो अभी कोई बाबा रहे हैं, शायद मैं सही हूँ, उन्होंने अपना एक नया ही एक जगह खोल दी है जहाँ का वो पासपोर्ट अवेलेबल करवा रहे हैं, कुछ ऐसा सुनने में आया है, पूरा कैलाशा करके हिंदुत्व की वो पूरी एक जगह बना दे रहे हैं। तो ये सब इनके एकाधिकार करने के केवल और केवल मतलब स्ट्रेटजी जिसे कहेंगे, केवल और केवल ये है, जहाँ से ये बहुत ही कम मेहनत में या बिना मेहनत के पैसा कमा सके। दूसरी बात रही बात दूसरों के अधिकार की, तो पूजा करना, पाठ पूजा करना, आपके आपकी जिसमें आस्था है उसको मानना, उसके लिए किसी को कोई अधिकार नहीं दे सकता। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी और ह्यूमैनिटी के हिसाब से भी। और दूसरी चीज़ जो मैंने भी ये देखा है कि लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, जो दूसरी जाति के जो लोग हैं उनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जा रहा है, पूजा पाठ करना तो बहुत दूर की बात है। तो दरअसल वो उनकी कुंठित मानसिकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको उस सच्चाई का पता लग जाएगा जिस पे वो पर्दा डाले हुए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब इनका केवल कमाने का और अपना केवल अपना जो एक प्रभुत्व है उसको जमाने का इनका एक स्ट्रेटजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कोई नहीं होते जो किसी को रोक सके, ये कोई नहीं है जो किसी को अधिकार दे सके या ये कह सके कि तुम पूजा कर सकते हो कि तुम नहीं कर सकते। ये हमारी आस्था है, हमारा हक है, हम जहाँ जाए वहाँ पूजा कर सकते हैं, जो लोग जिस तरीके से चाहें उस तरीके से पूजा कर सकते हैं, ये उनकी आस्था का विषय हो सकता है, किसी के एकाधिकार का नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी।